यानी मौरूसी सियासत। और ये मौरूसी सियासत की आला तरीन मिसाल हमारे मुल्क में ही देखने को मिलेगी, जहां पर कुछ ना करने वालों के लिए भी मुल्क और अवाम का सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया जाएगा। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। मईशत तबाही के दहाने पर है तो भी क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। डॉलर 250 क्रॉस कर चुके तो भी क्या हुआ, शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फरवरी के महीने से शुरू हो जाए, फरवरी से महंगाई का बड़ा तूफान पाकिस्तान से टकराने वाले, तो फिर क्या हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर भुगतना है तो बेचारी अवाम ने भुगत, क्या होगा आगे, महंगाई और हो जाएगी इस महीने से, अगले महीने से, तो देख ले अवाम भुगतेगी। अवाम भुगतने के लिए तैयार है, मैं अवाम से पूछती हूँ, आप ये सब भुगतने के लिए तैयार है ना? अगर नहीं भी तैयार तो ऑप्शन क्या आपके पास, भुगतना है। 16 जुलाई 2018 की तारीख याद आ जाती है, जब शहबाज शरीफ साहब पूरा दिन घूम कर भी अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं पहुंच सके थे। तो क्या अब मरियम नवाज